हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि ई कॉमर्स के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके बुक में अवेलेबल है, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को लेना चाहते हैं जिसमें आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग योर एडमिशन, रिगार्डिंग एनीथिंग यू आर परसुइंग फ्रॉम इग्नू, आपको हर एक चीज के रिगार्डिंग जो है आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इग्नू बीकॉम और एमकॉम, अगर आप बीकॉम के हैं तो बीकॉम वाले ऑप्शन पे और एमकॉम के हैं तो एमकॉम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ज्वाइन का बटन है, इसको क्लिक करने के बाद एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ले लेना है। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, एक रुपए भी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों मिल जाएंगे, एटलीस्ट 40% डिस्काउंट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 24/7। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है आपको एक एक्सक्लूसिव ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप का। देखो यहाँ पे देखो लिंक भी मैंने दे रखा है जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करके इन सारी चीजों के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी चैनल के बारे में, हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है राइट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आएंगे आपको इग्नू बीकॉम न्यू आपको दिखेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी बीसीओसी 131 से लेकर के बीसीओएस 184 जो कि सेकंड ईयर का लास्ट सिलेबस सब्जेक्ट है। इसके बाद थर्ड ईयर के भी सारे वीडियोस मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और इन सारी वीडियोस को वॉच करके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो देयर आर नो डाउट्स इन द माइंड्स, यस देयर आर नो डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ ई कॉमर्स अबाउट इट्स एबिलिटी टू मेक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू सेल गुड सर्विसेज ऑनलाइन, है ना। तो ई कॉमर्स का जो जो एक तरीके का पावर है, जो उसकी जो उसका जो कैपेसिटी है गुड्स को सेल करने का ऑनलाइन, उसके कारण से उसकी उसका महत्व जो है बहुत ही ज्यादा है। तो लोगों के मन में जो है ये सारी की सारी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे चीजें भी होती हैं जिसके कारण से बिजनेस को जो है एक तरीके से समटाइम्स ऑनलाइन बिजनेस पे आपको जाने के कारण लॉसेस या आपको एक तरीके से उसके नुकसान भी आपको होते हैं। तो वो क्या है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज दिया, कंपैरेटिव डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, मैं ये आपको बता देता हूँ कि एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स का और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि द ई शॉप इज ओपन 24/7 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक, 24/7 जो है ई कॉमर्स का जो शॉप है वो ऑनलाइन खुला हुआ रहता है। अमेजन पे आप कभी भी जाकर के शॉप ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो, वेयर एज अगर आप मार्केट में जाओगे तो डेफिनेटली आपको उस दिन नहीं जाना है जिस दिन छुट्टियां रहती हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि आपका 24/7 आपको सर्विस मिल रहा है, 24/7 आप सामान खरीद पा रहे हो। डिसएडवांटेज ये है कि व्हेन ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन इट ऑफन टेक्स लॉन्गर डिलीवरी टाइम एंड मोर शिपिंग चार्जेस। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये है कि जब आपको डिलीवरी टाइम है, आपने सपोज अभी आपको मिल गया, आप ऑनलाइन किसी भी दिन आप खरीद पा रहे हो, जिस दिन छुट्टी है ट्रेडिशनल मार्केट में आप उस दिन भी खरीद पा रहे हो, लेकिन सामान आपके घर में आने में अगर 5 से 7 दिन का समय लग जाए तो क्या फायदा खरीद करके, है ना। वेयर एज अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो आपको तुरंत आपने पैसे पेमेंट किए तुरंत प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गए, ऑनलाइन में ज्यादा समय लगता है सामान की डिलीवरी में, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और शिपिंग चार्जेस भी लगता है ना, समटाइम्स देखना ऑनलाइन पे देखना इसलिए दाम कम रहता है, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में दाम सेम रहने लगा तो लोग ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उनको शिपिंग चार्जेस भी पे करना पड़ जाता है ऑनलाइन में समटाइम्स, ऑफलाइन में आपको कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, आप जाओ सामान लेकर के घर आ जाओ बात खत्म होगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है कस्टमर्स डोंट नीड टू स्टैंड इन क्यूज फॉर स्टोर्स, है ना। तो स्टोर्स में ई कॉमर्स में स्टोर्स में आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे लाइन लगते हैं तो वहां पे आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं होती है ई कॉमर्स के क्षेत्र में, है ना। डिसएडवांटेज इसका क्या है, रीपेइंग योर ऑनलाइन परचेज मे बी मोर डिफिकल्ट देन बाइंग अ ट्रेडिशनल स्टोर। समटाइम्स ऐसा होता है
कि जब आप ऑनलाइन परचेज में जब आप पे कर रहे हो, अपने पैसे जब आप पे करने की कोशिश कर रहे हो, तो समटाइम्स आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेक पे आपको फेस करनी पड़ती है। ऑफलाइन में क्या हुआ कि आपने कैश निकाल के दिया, उसने पैसे काटे और आपको सामान दे दिया। लेकिन ऑनलाइन में समटाइम्स क्या होता है कि आपको वहां झंझट होता है, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर डालो, पिन वगैरह डालो, समटाइम्स डेटा के चोरी होने का भी चांसेस रहता है। तो ये सारी रीजंस के कारण जो है ये इसका एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है ना। एडवांटेज क्या था कि आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है लार्जर प्रोडक्ट सिलेक्शन, है ना। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप दुकान में जाओगे, फिजिकल शॉप में अगर आप जाओगे, तो हो सकता है उसके पास ऑप्शंस में ज्यादा नहीं हो। सपोज आप फोन लेने के लिए गए, फोन में उसके पास जो है सैमसंग अवेलेबल है, शाओमी अवेलेबल है, एप्पल अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन में आपको लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें से आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, है ना। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग विल नॉट बी स्टेबल टू मेजर गुड्स। तो गुड्स में ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हो, तो ऑनलाइन गुड्स को एक तरीके से मेजर नहीं कर सकते कि वो कैसा है, अच्छा आएगा नहीं आएगा। आप वो सारी चीजें जो है आप ऑनलाइन पे नहीं कर पाएंगे, है ना। चौथा जो इसका प्रॉफिट है, जो इसका बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, वो ये है कि पॉसिबिलिटी टू शॉप फ्रॉम एनीवेयर। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप शॉपिंग कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज है मनी सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर्स डिपेंड ऑन देयर ओन विजिलेंस, है ना। जो आपके पैसे की सिक्योरिटी है वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। आपने पेमेंट करा, करने के बाद जो आपका डिटेल्स है वो ऑनलाइन सेव रह गया, वहां से जो है किसी ने फ्रॉड कर लिया आपके साथ, आपको आपसे ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी शेयर कर लिया और आपका आपके साथ जो है फ्रॉड हो गया। तो यहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी का जो ध्यान है आपको खुद रखना होता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना। पांचवा पॉइंट है अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड। आपको डिस्काउंट बहुत मिलता है ऑनलाइन, आपको पता ही है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन खरीदते भी हैं क्योंकि हमें डिस्काउंट वहां बहुत ज्यादा मिलता है। और इसका डिसएडवांटेज हो गया लैक ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी यहाँ पे भाई एकदम नहीं है, ना के बराबर। आप देखना, आप अमेजन पे आप कुछ सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको इतना उसका नोटिफिकेशन आएगा। इवन जो 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 पैरेलल जो पीयर जो ग्रुप्स होंगे, जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जैसे हो गया, या फिर जो और भी जो सेलिंग कंपनीज जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो उनके पास से भी आपके पास मैसेज आ रहा है। पता नहीं उनके पास आपका फोन नंबर या फिर कैसे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी प्राइवेसी ठीक तरीके से वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, राइट। So it is necessary to look upon its advantages and disadvantages to be able to rationally decide and make strategic decisions. ठीक है ना। तो ये मैंने comparative difference आपको बताया है advantage disadvantage का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।